ये मैं कहाँ हूँ? वेट, सारी स्टोरी शुरू से सुनाता हूँ कि ये जगह कौन सी है। हम निकलने लगे हैं बहरिया टाउन के लिए। सोचा थोड़ा आज जब मैं काम भी था वो भी निपटा लूँ और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, तो बस उसी के लिए हम निकल रहे हैं। लेकिन अब हमने जाना कहाँ ये तो गाड़ी में बैठ के डिसाइड होगा, तो गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम जाएंगे कहाँ, बहरिया टाउन जाएंगे या फिर हम कहीं और जाएंगे, तो ये गाड़ी में बैठ के हम डिसाइड करेंगे। तो गाड़ी में बैठ के आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अब हम आ गए हैं जी रोड पर। कंसंट्रेट ऑन ड्राइविंग, पे कंसंट्रेट, ज़्यादा में ड्राइविंग पे कंसंट्रेट। फिर रुक गए ऐसे बनते हैं वी लोग। ऑडियंस ट्रांसपेरेंस देखना चाहते हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो सुने और वो क्यों ना सुने, जो हम उन्हें नहीं सुनाना चाहते वो भी सुने, जो हम उन्हें नहीं सुनाना चाहते। कैमरे को हम पॉज नहीं करेंगे। तो इस वक्त मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और हम निकलने लगे हैं बस, तो साथ साथ मैं आपको भी रखूंगा अपने। एक्चुअली अब मैं ये कैमरे को बंद करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप होंगे बोर में, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम है। अब कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा तो मैं दोबारा कैमरे को ऑन करूँगा, ठीक है? चलें। हमें भुट्टे वाला नज़र आया तो हमने वो खाना था, लेकिन वो निकल गया, ज़रा रश बहुत था और वो पठान था, लेकिन मेरी अम्मा की मुँह से गलती से शैतान निकल गया। शैतान के पास रोको, तो हम तो शैतान के पास नहीं रुक सकते जिसकी वजह से हम आगे बढ़ गए और रश बहुत है जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। और मेरा ये प्लान है कि मैं वहाँ रात होने से पहले पहले पहुँचूँ क्योंकि वो जगह थोड़ी सी इंजॉय करने की। लेट्स सी कि क्या होता है। आई थिंक आप भी रश को देख सकते हैं। नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच सकते, मैं आपको पहुँचा के देखूँगा। गाड़ियाँ निकल जाए। आपने देखा ही नहीं, पीछे के सीन में दिखाता हूँ, देखें बिल्कुल ही खामोशी है पीछे, चुपचाप और हमारे साथ बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही कि हम बातें कर रहे हैं, ये हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बातों में भूल ही लगे हुए। कुछ तो बोलो, इतनी खामोशी क्यों है भाई? क्या बोल रहा है? चलो वाओ, एक्चुअली सॉन्ग सुन रही हूं। रबिया जो है वो हर वक्त कानों में, हर वक्त उसके सॉन्ग 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 सॉन्ग, जैसे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जैसे ये बातें करने में आती है तो बहुत ज्यादा। अब जा कर रहे हैं भाई? जहाँ हमने जाना था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तुम लोगों को दिखाने के लिए, तुम लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी। और जब मैं बोला तुम तो कैमरा मेरी तरफ कर दिया, इस तरह नहीं, आपने उस तरफ कर दिया, इस तरफ करें ऐसे। हाँ जी, ये मेरी मामा को बात अब समझ में आ गई है सर। ये मामा को मैं एक्सपर्ट बना रहा हूँ, ये भी ब्लॉगिंग में थोड़ी एक्सपर्ट हो जाए। एक्चुअली इनका भी चैनल है गुल किचन, उनके पास 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं माशाल्लाह से, लेकिन सामने नहीं आना चाहती, भला नहीं कोई दफा सामने आ जाए। आ जाए आ जाए, हाँ रेसिपी आज आपकी आ जाएगी, बहुत बड़ी रेसिपी है, उसको अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। रेसिपी और वो जो वीडियो की वो भी देखो, वो नहीं दी अभी। बोलो तो सक सही मुंह से कुछ, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं पता। अब हम बोले क्या, ये तो बता दो ना। कुछ बोलो, कुछ बातें करो, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खाना खाना, क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? बहरिया टाउन में ही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या हो गया रबिया,
इतनी कंफ्यूज हुई हुई हूँ। तभी मैंने कहा है ना, बहुत कंफ्यूज लड़की है बहुत। अच्छा जी, यहाँ से शुरू होता है बहरिया टाउन। रात बहुत हो चुकी है और मुझे ग्लासेस उतार देने चाहिए, तो मेरा देख वहाँ पे लाइट्स हो ना हो, लेकिन आई होप कि वहाँ पे लाइट्स हो, तो वहीं जहाँ हमने जाना है, क्योंकि हमें दिन में निकलना चाहिए था, लेकिन वही सोने का प्रॉब्लम, जल्दी उठने का प्रॉब्लम, इस वजह से। तो आई होप कि हमें वहाँ के सीन्स अच्छे मिल जाएं, तो चलते हैं आगे। अच्छा, तो ये मैं पहुँच चुका हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इस जगह का नाम है। एक्चुअली यहाँ पर आने का प्लान मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया था यहाँ पे आए हुए, तकरीबन 4 साल बाद मैं इधर आया हूँ, लेकिन मैं पहले भी इधर आया था और अब भी इधर आया हूँ, तो मुझे ये जगह ऐसे ही लगती है कि जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही आ गए हो, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। मुख्तलिफ एंगल से आपको पिक्चर्स खींचने के लिए मिल जाती हैं, स्नैप्स लो मुख्तलिफ, और स्नैप्स तो मैंने यहाँ पे ली नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ शॉट्स बहुत अच्छे बनाए, और यहाँ की आसपास की जो इधर घर बने हुए हैं, जो जगहें हैं वो बहुत मज़ेदार सी हैं, और आपको व्यू बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये बहुत ही यहाँ की बहरिया टाउन की फेमस जो है वो प्लेस में से आती है, और बड़ा इन्जॉय, कभी कभी मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ, और लास्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही आया था इधर, तो तब भी इन्जॉय किया था, और बड़े दिन बाद आया हूँ, बड़े दिन बाद बाहर निकला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे सारा ये पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये पूरा ही इन्होंने वैसे ही कॉपी करने की कोशिश की है, और ये दबिया और हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ ले रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं, और मैं भी यहाँ पे इन्जॉय कर रहा हूँ। कभी कभी आपको इस इन ऐसी जगहों पर भी आना चाहिए। ये देखें, जैसे कि मुझे इनका जो स्टोन है ना, इस पे जो डिज़ाइनिंग है ये बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी मज़े का काम लगता है, आर्किटेक्ट वर्क बहुत अच्छा है इनका। और जो भी यहाँ पे ये चीज़ें लेके आते हैं बहुत ही अमेजिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा। मौसम भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा ख्याल एक दरवाज़ा टाइप है ये, जहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर जा नहीं सकते हम, लेकिन जाने की ज़रूरत भी क्या है। बाकी आपको जो व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है सारा, ये पार्क का पूरा व्यू है, पूरा पार्क का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। चलते हैं रबिया के पास, रबिया इधर आओ, इन्जॉय हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत मज़े का ये स्टैचू है। ये स्टैचू मुझे पता है, ये स्टैचू है। हाँ, अब यहाँ पे लाइट जलेंगी रात को, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अभी लाइट तक हमने यहीं पर रहना है, चले जाना है? नहीं नहीं, चले जाना है। मामा एक दफा हाय बोल दूँ, हाय इधर इधर, एक दफा और बोल, दो दफा बोल दिया, बस काफी है, दो दफा हाय बोल दिया मामा ने। काश मैं इसके ऊपर जा पाता और इसके ऊपर चढ़ पाता, लेकिन मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है, काफ़ी हाइट पर है, तो अगर मैं इसके ऊपर भी गया तो कहाँ से जाऊँगा। मेरा ख्याल है यहाँ से चढ़ के, इधर से चढ़ के, इधर से चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क मैं लेना ही नहीं चाहता। मामा फिर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? यहाँ पर मेरी तस्वीर, ये तुम तो वो बना रहे हो ना, व्लॉग बना रहे तो तस्वीर नहीं हो सकती ना, तस्वीर तो फिर उनके साथ ही हो सकती है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बहरिया टाउन के बारे में? आप कुछ कहें? ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल, बट वेरी कोल्ड हियर, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है।
एक्चुअली मेरी पंजाबी थोड़ी सी बुरी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पंजाबी ना ही बोलूँ, लेकिन जब बोलूँ तो सही बोलूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड निकल जाते हैं जो आपको आते नहीं है लेकिन आप फिर भी बोल जाते हो, तो कोई बात नहीं, चलता है यार। बार में आके रोड इस जगह पर मैं रबिया मारूँ और मामा को देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि उन्हें बड़े अरसे बाद ऐसे इन्जॉय करते हुए देखा था। तो आपको अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली आपके साथ खुश हो और इन्जॉय कर रही हो, क्योंकि ये कहीं भी नहीं निकलती, और अब मैं इनको लेके निकलता हूँ कहीं ना कहीं, मुझे इस तरह अच्छा लगता है कि ये लोग मेरे साथ इन्जॉय करते हैं। यहाँ मेरी जो मॉम है उनको लग रही है सर्दी और वो जाके वापस गाड़ी में बैठ रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे ठंडी हवा और खा लूँ थोड़ी सी और थोड़े और नज़ारे कर लूँ। और अगर आप यहाँ पे आके खड़े भी हो जाएं ना तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप एक अच्छा सा एहसास होता है कि आपकी फीलिंग्स फ्रेश हो जाती हैं, आपके अंदर एक अच्छी एक वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं जिससे आप फिर आपकी थकन भी उतर जाती है। और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, और मैं मेरी कुछ रीज़न्स ऐसा करने की जिसे मैं आपको बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मेरी जो व्लॉगिंग करने की एक रीज़न क्या ये भी थी जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, जो मैं आने वाले व्लॉग्स में डिस्क्लोज़ करूँगा आपके सामने। तो बस यही है कि मैं अपनी लाइफ को फुल ऑफ इन्जॉय करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ को मैं मिस नहीं करना चाहता, कोई भी मोमेंट्स ऐसा नहीं जिसमें इन्जॉय ना करूं, मैं हर मोमेंट को इन्जॉय करूंगा अपनी लाइफ के। तो चलते हैं गाड़ी में और मैं भी सोच रहा हूं अब किसी और जगह जाया जाए। टिकट भी होगा या नहीं होगा रबिया? टिकट होगा? रबिया ने कहा टिकट होगा, तो शायद टिकट हो और शायद टिकट नहीं भी हो सकता, तो देखते हैं टिकट है कि नहीं है। तो जी फाइनली टिकट मैं यहाँ से ले चुका हूँ और अब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं कि अंदर जाएंगे और पार्क देखेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं भी यहाँ पे कभी नहीं आया और ये काफ़ी देर से बना हुआ है पार्क, लेकिन मैंने कहा चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा है। तो लेट्स सी कि कैसा है, चलें मेरे ख्याल इधर से। अब हम एंटर हो रहे हैं इसके अंदर और हम एंटर हो गए हैं इसके अंदर, जैसा कि आप मुझे तो फाइनली बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे इन्जॉय करके, और आपको भी मैं सारी चीज़ें इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ थोड़े मज़े करें, इन्जॉय करें। राइड्स भी हैं लेकिन राइड्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो मुझे राइड्स से लगता है बहुत डर। राइड अगर लाइट हो तो फिर बंदा करे, क्योंकि मामा नहीं, क्योंकि मामा ज़्यादा नहीं रहते यहाँ पे, भी राइड्स ही हैं। और अब हम नीचे चलेंगे और कुछ और भी देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या है। बड़े मज़े की जगह है मामा, ये हमने पहली दफ़ा देखी है और हमें बहुत पसंद आई है।
बच्चों की जगह अगर बच्चे यहाँ पे आए तो बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि अपने अंदर भी थोड़ा सा बच्चा है तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन बच्चे यहाँ पे बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। इस जगह पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और इन बच्चों को देखता रहा और अपने बचपन को याद करता रहा और ये सोचा कि बचपन कितनी प्यारी चीज़ होती है। यहाँ पर बहुत मज़ा आया। अगर इस ट्रिप का एक ख़ास मोमेंट कहूँ तो ये कम नहीं होगा कि ये मेरे ट्रिप का ख़ास मोमेंट था, कि जहाँ पर मैं खामोशी से खड़ा हुआ था और इनको देख रहा था और मेरी आंखों के सामने मेरा सारा बचपन आ रहा था। और यहाँ रबिया मारूख और माँ पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। यार उमर राइड्स लेनी है। इन्होंने राइड्स देनी है लेकिन बच्चों की है। हाँ बड़े प्लेस। तो फाइनली यहाँ पे खाने की जगह मुझे मिल गई जो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। फूड प्लेस तो हमें मिल गया पर ये शादी का घर ज़्यादा और ट्रक सही से खाया। पिज़्ज़ा पराठा कैसा है? पर इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कुछ पराठा और चाय कर लें। तो पराठा भी है। पराठे कौन कौन से हैं? नहीं पराठा तो सिर्फ एक ही अच्छा पराठा। और जो चाय अच्छा तो हम वैसे कीमे वाला कितने? तो कीमे वाला बस जो भी है लच्छा पराठा और चाय कर लें। लच्छा पराठा चाय नहीं लिखी हुई, ग्रीन टी लिखी हुई, लेमन टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी चलो मान्य इलायची के हवा दर्जी चाय हुआ, अदरक के हुआ, हलवा पूरी, लाहौरी चपत्ती है, गरम दूध, हाँ दूध पत्ती का दूध पत्ती है यहाँ पे, दूध पत्ती 80 की वाली ठीक है। अदरक वाली इलायची। तो हम यहाँ पे पराठा और चाय खाने लगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। कर रहे हैं पराठा का जो कि हमारा ऑर्डर चेंज हुआ था, कि हमारा ऑर्डर हुआ था लच्छा पराठा से कीमा पर पराठे पर, तो वो पूरी जल्दी आ जाएगा। निकलने में पहले बिल्कुल नहीं निकलता था लेकिन अब मैं निकलना शुरू हूँ कि इंसान को निकलना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये बात करते हैं यार लाइफ बहुत छोटी सी है और उसको इन्जॉय करते रहना चाहिए। तो बस यही है कि अब यहाँ से जाएंगे तो हम करें लेकिन यहाँ से पूरा इन्जॉयमेंट और भी जो आगे सारी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन राइड में मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि राइड से भाई हमारी लगती नहीं। तो आगे आ सकते हैं या नहीं? नहीं उमर बेग हमें ले आए हैं जॉयलैंड में, बहुत ही खूबसूरत जगह। वैसे मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, हालांकि यहाँ से गुजरती थी। तो असल में आज बच्चे भी साथ में हैं ना, बच्चे लाहौर से आए हुए होते हैं मेरी बेटी के उरूज के, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। मिस कर रही हूँ मैं उनको। बहरहाल अभी मेरी छोटी बाह फातिमा जो है उमर बेग की बेटी जो है वो तो बहुत ही छोटी है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर का यही मैंने कहा है कि उसको लेकर आया करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़ा आ रहा है और अभी हम चाय पराठा खाने लगे हैं, जो कि पराठा जो है सुना है बहुत ऑयली है। अब देखते हैं इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ अच्छा लग रहा है। घर में काफ़ी ज़्यादा मैं कटअप हो चुकी थी तो उमर ने मुझे कहा कि मैं नहीं आ रही थी पर उमर ने मुझे बोला कि चलो आके मुझे आउटिंग करके अच्छा लग रहा है, मेरा मूड थोड़ा सा सही हुआ है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू उमर। और अब फाइनली बारी है मेरी, कैमरा टिक जाए क्योंकि मेरी बारी तो कैमरा ये टिकता नहीं। तो यहाँ पे आधी तस्वीर आई है मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ अभी तक कि हमारा ऑर्डर आ जाएगा तो हम जल्दी से उसको खा।
खाएँ। बड़ों की भी राइट्स है ना उमर? बड़े भी ले सकते हैं लेकिन हम जैसे बड़े नहीं ले रहे क्योंकि मामा की वजह से। मामा की वजह से भी नहीं क्योंकि वैसे राइड लेना ही नहीं चाहते हम, राइड लेना ही चाहते क्योंकि थोड़ा सा मसला होता है। हमारा ऑर्डर आ गया जी, ऑर्डर आ गया। फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया और मैंने तो पेट पूजा हमने कर ली है और अब हम रवा दवा हैं पार्क की दूसरी साइड पर कि वहाँ क्या है और वहाँ चल के देखते हैं कि वामा और क्या क्या होता है। बोले हैं कुछ व्लॉग में बोलते भी हैं, फ्रेंड का बना रहे, फ्रेंड का ही अपने फ्रेंड का बना रहा हूँ ना। अच्छा वो वाले फ्रेंड का बना दूँ, बस ये लोग व्लॉग में कुछ बोलते नहीं हैं, यही इनकी प्रॉब्लम है। इनको कहता रहता हूँ बोल लो भाई बोल लो, व्लॉग में बोलते हैं और ये लोग नहीं बोलते। और मैंने आदत डाल ली है कि व्लॉग में बोलना ही बोलना है, बस अब बोलना ही है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, ये देखो फाइनली अब घर जाने का टाइम आ चुका है और हम घर की तरफ बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। एक्चुअली मुझे ड्राइविंग करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी इन तीनों में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती और ड्राइविंग मुझे ही आती है, इसलिए ड्राइविंग मुझे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे करूँगा मैं अपने व्लॉग को एंड। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी साथ कर देना। और अगर नहीं पसंद आया हो तो मर्ज़ी है यार, नहीं करो। होपफुली अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।